All bets on sports. What is bet? Huge winnings. What is bet? High odds. What is bet? Fast pay. What is bet? What is bet? Bookmaker Company. Hey, कुछ चल रहा है? Oh.
Damn it. तुम्हें पता है मेरा जन्मदिन 2 महीने बाद है? हाँ मुझे पता है, शायद मैं तुम्हारे लिए पैनकेक बनाऊंगी। No, thanks. प्लीज ऐसा मत करो। हाँ। कौन है वो? क्या तुमने मेरा मग देखा है जिस पर सनफ्लावर बना हुआ है? तुम्हें स्कूल के लिए पैसे चाहिए? मैं लेट हो जाऊंगी। तुम्हें पैनकेक्स के लिए हाँ कह देना चाहिए था ताकि वो खुश हो जाए। तो आपने सोफे पर सोना कब शुरू किया? नहीं, मैं तो बस टीवी देख रहा था। मेरा मतलब है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, गलती उसी की है। हे हे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब क्या तुम लड़ाई झगड़ा करने लगे हो? वो गधे थे, ये बहाना नहीं चलेगा। देखो, तुम्हारी माँ और मेरे बीच जो भी चल रहा है इसका उसे कोई मतलब नहीं है। तो उस लड़के को कैसे सबक सिखाया? वो 2 थे, उनमें से एक के तो आंसू निकल गए। जल्दी जगाना नहीं चाहती थी पर वहाँ इसलिए तुमने कॉल किया। पैनकेक है, मैं खा चुका हूँ, बाद में बात करता हूँ। ग्रे, ये कोई मजाक है क्या? डॉक्टर हार्बर, आपका 9 बजे वाला क्लाइंट आ गया। जस्टिन विल्टर, उम्र 10 साल, पार्क के पास कल रात को बाइक चला रहा था, अब लापता है। बाइक? ओ बॉय, बिल्कुल माइकल किंग की तरह। नहीं, अभी नहीं कह सकते कि दोनों केस आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं। माइकल का अपहरण हुआ था, वो भी साइकिलिंग कर रहा था और अच्छे सभ्य परिवार का था। वो काउंट्री लाइन से लापता है, मगर आज सुबह 9 बजे ये केस हमें दे दिया गया है। क्या स्पिट्स को इस बारे में पता है? अगर वो इसमें शामिल होना चाहता है ये उस पर निर्भर करता है। वो शामिल होना चाहता है? तुम मुझे इस केस के लिए सबसे सही इंसान लगे, ये केस तुम देखोगे। समझ गया।
कॉनर। मैं खिड़की ठीक करने आया था, डरने कोई बात नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी पत्नी मरम्मत के लिए बुलाया था, बस मेरा काम हो गया है। हे भगवान। ओके ठीक है, अगर कोई भी समस्या हो तो कॉल कीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। माफ करना, आपके लिए गेट किसने खोला था? आपकी बेटी ने। बहुत पोलाइट है, आपने अच्छी परवरिश की है। कौन? आ जाओ। नहीं, और सच तो ये है कि एक छोटा सा सुराग भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। जस्टिन को आखिरी बार हरे रंग की फुटबॉल जर्सी में देखा गया था। उन्हें जवाब चाहिए और वो भी जल्दी। तो बच्चा जंगल में अकेले ही साइकिल चला रहा था और पेरेंट्स ने उसे ऐसा करने दिया। वो 10 बरस का था, उन्हें लगा वो बड़ा हो चुका है। आजकल की लाइफ देख रहे हो, सही कह रहे हो ना? सच में माँ बाप, दो अच्छे बच्चे, परफेक्ट अमेरिकी परिवार। क्या ये सच नहीं है? मैंने और मेरी वाइफ ने भी मुश्किल दौर देखा। Hey spirits, चलो भी। मैं कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं, मगर मैं एक काउंसलर को जानता हूँ। जैकी खुद एक काउंसलर है। हाँ, सब ठीक कर लेंगे। यहाँ कुछ है। ठीक है, दूर हटो। क्या मिला तुम्हें? हे भगवान। सर, क्या हम इसे जब्त कर लें? हाँ ठीक है, कर लो। फोरेंसिक में भेज दो। शुक्रिया कायला। स्पिरिट्स, तुम ठीक हो? तुम्हें कोल गार्डन याद है? ये तुम्हारे आने से पहले हुआ था। ओ, मुझे याद है, वो हरा चाकू है। 6 लड़के सभी चाकू के साथ दबे हुए पाए गए थे। हाँ, मुझे पता है, लेकिन गार्डन वो। हाँ, मैंने उसे जेल में डाला और वो बाहर नहीं निकलने वाला। तो तुम क्या सोच रहे हो? क्या वो बॉटल पास करोगे? थैंक यू। हे, क्या तुमने किसी मरम्मत करने वाले के लिए दरवाजा ओपन किया था? मॉम, क्या वो मरम्मत करने वाला आदमी था? तुम ऐसे लोगों से चक्कर चला रही हो? ठीक है। अच्छा, तो तुम नाराज हो? आप ऐसे कैसे कर सकती हो? पापा के साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? कौन था वो? बस था कोई, स्वीटी। प्लीज मुझे वो कह के मत पुकारो, दोबारा मुझे वो कहने की हिम्मत भी मत करना। मैं समझ सकती हूँ तुम नाराज हो। लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें लगता है कि पेनकेक्स और इस फैंसी डिनर से बात बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। तुम बर्बाद कर दिया और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ताजा जानकारी के साथ है शिरिल। विटर बीते महीने से लापता होने वाला दूसरा लड़का है। अगर आपको याद हो तो 9 साल का माइकल ठीक इसी तरह से गायब हुआ था, वो भी अपने ही घर से। अधिकारियों की आम जनता से अपील है कि वो अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखें और सतर्क रखें, उनकी देखभाल करें। संवाददाता सम्मेलन में एक प्रमुख पुलिस वाले ने कहा। ओह, मुझे पता ही नहीं चला तुम आ गए। मैंने तुम्हें कई बार कॉल की थी, पर तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुमसे खिड़की टूट गई? मैंने उस मरम्मत करने वाले के खिलाफ शिकायत की है, मुझे उस पर शक था। तुमने क्या किया?
हमारे सारे चांदी के बर्तन गायब हैं। दरवाजे में देखो, वो अजीब सा बर्ताव कर रहा था, कह रहा था कि दरवाजा एक लड़की ने खोला। मुझे नहीं पता ग्रैग, पर बर्तन गायब हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है। हमें अपने बेटे के बारे में कुछ बताएं मिस विल्टर। उसका नाम जस्टिन विल्टर है और वो 10 साल का है। वो 5th क्लास में जाने वाला है और वो इस बात से बहुत उत्साहित था। वो पूरे मोहल्ले में सिर्फ बाइक चलाता था, इसीलिए स्कूल से बाइक पर आना एक आम बात थी। पड़ोस का हर व्यक्ति उसे जानता है, वह एक बहुत ही प्यारा बच्चा है। हे, तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? कम ऑन। हाँ, ये तुम्हारा कमरा है, लेकिन वहाँ नहीं। हे, चलो भी, चलो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। कौन है? कॉनर, जल्दी आओ। तुम्हें मजा आ रहा है, मगर मुझे अभी बाहर आने दो। कॉनर, कॉनर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं सीरियस हूं। कॉर्नर, दरवाजा खोलो। कॉर्नर, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? मैं आवाज सुनकर ऊपर आई। कॉर्नर कहाँ है? वो बाहर गया है। क्या? कुछ भी नहीं। क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए? शायद मैं थक चुका हूं। तुम आज रात ऊपर क्यों नहीं सोते? हाँ, मैं गेस्ट रूम में कुछ सामान शिफ्ट कर रहा हूं। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर रही, सच कह रही हूँ, मगर मैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ भी करूँगी। क्या तुम उसे शादी करना चाहती थी? क्या? क्या मतलब? एक मामूली सा पुलिस अफसर, मामूली सी तनख्वाह, जिससे तुम्हारे घर वाले नफरत करते थे। मेरे पेरेंट्स तुमसे नफरत मैं नहीं करते। तुम्हारे पिताजी मुझसे नफरत करते थे, इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं चाहा। मैं चाहता था। तुम्हें लगता है अगर तुम प्रेग्नेंट ना हुई होती तो तुम साथ रहते? मुझे तो खुशी है कि हमारे बीच कुछ चीजें ठीक हुई हैं, और मैं कोशिश कर रही हूं ग्रेग।
और हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे सफर पे जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे रोमांच की दुनिया के सितारे। तुम क्या कर रही हो? कहाँ थे तुम? पानी पीने गया था। वीडियो गेम खेलने के लिए देर हो चुकी है ना? मैं तुम्हें कल स्कूल ले जा रही हूँ। क्या क्यों? कुछ खास नहीं, बस यूं ही ले जा रही हूँ। मेरी किडनैपिंग नहीं होगी माँ। ओह माय गॉड, कितने टाइम बाद देख रही हूँ मैं इसे। हिप्पी याद है? नहीं। गुड नाइट। हेलो, डेविस ने बुलाया है अभी। हाँ ठीक है, मैं अभी वहां आता हूँ। गार्डन, एक क्लोज्ड केस, इतनी रात गए तुमने मुझे बुलाया। पता है तुम यहाँ क्यों हो स्पिट्स? ये एमओ ठीक उसी का है जो 15 साल पहले पकड़ा गया था। जब तुम यहाँ आ रहे थे मैंने तुम्हारे पुराने साथी से बात की है। हे भगवान, उस गंदगी को दूर रखो। गार्डन के बचाव पक्ष के वकील इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई समय बर्बाद नहीं करने वाले। मुझे उसके वकील पर तरस आता है, मगर गार्डन एक दोषी पेडोफाइल था। उसके पास चाकू से भरा हुआ संदूक था और उसके घर पर आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों के कपड़े मिले थे। हो सकता है कोई उसकी नकल कर रहा हो। मैंने लार्सन को उन दोनों लड़कों को ट्रैक करने के लिए भेजा है जो बच गए। हे भगवान, इस बात को वैसे तो 15 साल बीत चुके हैं लेकिन शायद उन्हें कुछ याद हो। मैं गलत नहीं था, मैंने उन दोनों लड़कों का साक्षात्कार किया जब ये हुआ। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? उसका एड्रेस दो। लेकिन उसे तो जेल हुई थी, वो बंद है। हाँ मिस्टर ब्राउन, हमारी जानकारी के मुताबिक, लेकिन अगर संभव हो तो हम आपके बेटे से बात करना चाहेंगे। वो पीछे खेल रहा है। टॉमी, टॉमी, तुमसे मिलने के लिए यहाँ कुछ अच्छे लोग आए हैं। टॉमी, मुझे पहचाना? ऑफिसर स्पिट्स के, कई साल हो गए हैं टॉमी, लेकिन मेरे पास अभी भी वो ब्रोटोसोरस है जो तुमने मुझे दिया है। टॉमी, नहीं 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 नहीं
Hey, टॉमी, टॉमी, क्या तुम मुझे शुरू से बता सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सवालों के जवाब दो, ठीक है ना? मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो। एक आदमी था। एक आदमी? तुम उसे जानते थे? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमें जानते हैं। तुमने उसे कहाँ देखा? वो हमें पटरियों पर देख रहा था। क्या उसने तुम्हारे चेहरे का ये हाल किया टॉमी? ये मैंने खुद किया। वो छोटे वाले घर के पास एक पेड़ है। क्या वो तुम्हें वहाँ ले गया? क्या तुम्हें वो जगह याद है? वो जगह वहाँ नहीं है, वो एक जादुई घर है। वो गायब हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम उसे ढूंढ नहीं सकते। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आज सुबह ही बस से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं ब्रेक्सफील्ड में एक कॉलेज फ्रेंड के साथ ठहरा हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, मेरा बेटा यहाँ है। चलो कहीं और चलते हैं। ऐसा करो, आज छुट्टी ले लो। तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। तुम्हें मेरे SMS नहीं मिले? क्या पिछली बार हुई बात से डरी हुई हो? नो नो नो। देखो, वो बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जैकी सुनो, मुझे पता है तुम डरी हुई हो। चाद, बस करो, मुझे भी डर लगता है। ओह हे भगवान। ओह, ये क्या है? इधर मुझे देखो। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं बैठ जाता हूँ, ओके? नहीं नहीं, तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। मैं ठीक हूँ, मेरी जान, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, मार ही डाला। हे भगवान। जैकी, याद है? ये मुझे हाई स्कूल की याद दिलाता है। याद है हर समय तुम्हारे पेरेंट्स के तहखाने में घुसना। बस रुको, थोड़ा रुको, ठीक है? ओ, ये तो वैसा है। यहाँ आओ। बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ओ, ये भी खूब रही है। आराम से। हनी, तुम एक अच्छी नर्स बन सकती हो। आओ, दर्द हो रहा है। कॉर्नर के स्कूल जाते ही मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। ये ठीक रहेगा। मुझे तुम्हारा कॉल आ रहा है। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारा फोन कहाँ है? हेलो, हेलो, क्या तुमने अपना फोन कहीं छोड़ दिया? मेरा फोन? क्या तुमने इसे ऑन किया? नहीं। क्या तुम छत पर थे? क्या? नहीं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने कहा था कि तुम मुझे स्कूल ले जाओगी। हाँ, मैं चलूंगी। क्या कुछ हुआ है? कार में जाके बैठो, मैं अभी आती हूँ।
कॉनर, अगर तुमने कुछ किया है, अगर तुम परेशान हो, किस बारे में बात कर रही हो? तुम मुझे बता सकते हो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। परेशान करने के लिए माफ करें मिसेस हार्पर। नहीं मिसेस विल्टर, आपके बेटे के बारे में अफसोस है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मेरा बेटा कहीं खो गया है जंगल में, वो उसे ढूंढ लेंगे। ग्रेग उसे जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ, थैंक यू। तुम्हें लगता है कि वो उसे जानता था क्या? जस्टिन वेयर, हो सकता है वो किडनैपर को जानता हो। शायद नहीं, एक बार सोचकर देखो। बच्चा अपनी बाइक पर है, वो किडनैपर को देखता है, वो एक दूसरे को जानते हैं, तो बच्चा रुक जाता है, वो उसे पकड़ लेता है, हमें गुमराह करने के लिए वहां एक चाकू फेंक जाता है। स्पिरिट्स क्या कहते हो? शायद हाँ, या फिर वो बच्चे को रोकता है। सॉरी, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया। मैं बस मदद करो। ओ गॉड, जैकी, जो हुआ मुझे शुरू से बताओ, सब कुछ। सब कुछ? हम बात कर रहे थे, सिर्फ बातें। हम बस घर के साइड में खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैंने उसे समझाया कि सब खत्म हो चुका है, और ना जाने कहां से एक गमला उसके सर पर आकर गिरा। उसका बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तुमने एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया? क्या वो ऊपर था? और वो बहुत गुस्से में था। बहुत गुस्से में? उसने किसी को जान से मारने की कोशिश की। शायद ये एक दुर्घटना थी। ओह गॉड, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। नहीं, अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है हमारे बेटे का क्या होगा? मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा।
कपड़ों को बदल कर आओ। मुझे माफ कर दो। I'm sorry. माफ करो। Sorry. मुझे माफ कर दो।
जैकी। सीधे अस्पताल जाओ, किसी चीज के लिए भी मत रुकना। मैं यहाँ से निकलने से पहले तुम्हें कॉल करूंगा। जैकी, जिस कमीने ने ऐसा किया है मैं उसे ढूंढ लूंगा। स्पिट्स, 911 डिस्पैच में से किसी का फोन आया है जिसका दावा है कि उसने किडनैपर को देखा है। हम जीपीएस सिग्नल को ट्रैक कर रहे हैं और मैं उसे पिक कर लूंगा। तुम्हें ये कैमरा पर मिला? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी, वो बहुत नजदीक था। हाँ बिल्कुल, धत तेरी। शिट, ये देख रहे हो? वाह, क्या? मैंने इतना हसीन नजारा कभी नहीं देखा। ये देखने का भी किसी को हक नहीं है। ये एक फ्रिज है। हे, कुछ तोड़ना मत। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हे भगवान, उसके पास बैटल स्टार है। देखो वो सब वाइन्स हैं। शर्त लगा लो ये लोग शराबी हैं। जीज, ये बहुत सारे फोटोज लेते हैं। फिल्मी माँ, ये तो बस चलता ही रहता है जैसे इनके सच में पंख हो। उन्होंने तुम्हें बंद कर दिया? एलेक, हे देखो इधर, मुझे हमारा कमरा मिल गया। गेस्ट रूम बेबी, इसे कहते हैं जिंदगी।
क्या इन चादरों पर जैसे धूल की परत जम गई है, लगता है कोई आंधी आई होगी। जीज, तुमने ही तो कहा था ना कि हमें सबसे छुप कर रहना होगा। हाँ कहा था। चलो मैं तुम्हें अपने बेडरूम की तरफ ले चलती हूँ और रात को हम यहाँ सोएंगे। तुम मुझसे मजाक कर रही हो है ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है तो मैं तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री है ये बताने के लिए कि घुमक्कड़ लोग घुमक्कड़ी कैसे करते हैं। वो हमें घुमक्कड़ कहते हैं, घुमक्कड़, क्योंकि हम एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते रहते हैं, वो भी घर के असली मालिक से छुपकर। आमतौर पर मैं एक जगह पर 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रुकती, इसलिए किसी की पकड़ में नहीं आती। मैं उस घर के लोगों की जिंदगी में कम दखल देती हूँ। ओह, ये एक अच्छी बात है कि इन लोगों के पास एक गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम का होना बहुत जरूरी है। एक कमरा जो ये लोग कभी यूज नहीं करते वो हेडक्वार्टर बन सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं उसका खाना खा रही हूँ। ऐसा करना अलाउ है क्योंकि आपको पता है एक लड़की को खाना कितना पसंद होता है। हमें कोशिश करनी है ज्यादा चीजों का उपयोग ना कर। गधे कहीं के एलेक, ये परेशान करने वाला जीव मेरा कैमरामैन एलेक है। यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस डरावनी चीज को अपने साथ लाए हो। क्या क्या मास्क है? हम घुमक्कड़ हैं, मेरे का मास्क है। तुम सच में सनकी हो। ये पहली बार घुमक्कड़ी कर रहा है, मैं इसे रूल्स बता रही हूँ। साथ में ये अपने कैमरे में डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा है। ओ, मैंने ये घर चुना है क्योंकि मैं घर चुनने में माहिर हूँ। हाँ, अभी तक सब ठीक है। ये दिन का सबसे अच्छा हिस्सा है, हम हो हल्ला कर सकते हैं। ये घर हमारे पास है और हम पूरी आजादी से घूम सकते हैं, लेकिन जब वे घर जाएंगे हमें अपने छिपने की जगहों पर रहना होगा, एकदम चुपचाप होगा। ये सबसे बोरिंग पार्ट है। हाँ, तो समय हो रहा है रात के 2:10। एलेक और मैं सो गए थे और इसी दौरान शायद परिवार वाले वापस आ गए हो। एलेक, क्या तुम जाग रहे हो? एलेक, एलेक, तुम क्या फालतू काम कर रहे हो? मैं बोर हो गया था। तुम यहां मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। वो अभी अभी घर आया है। कौन? पतिदेव। क्या उसने तुम्हें देखा? हाँ, मेरा मतलब है उसने मुझे देखा, उसने हाथ हिलाया। ठीक है, बहुत मजेदार, चलो वापस अंदर चलो।
हमें देर होने वाली है। हे, क्या तुम पागल हो? ऐसा करने से स्मोक अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। पता है, खिड़की से दूर रहो। किसे पता था कि घुमक्कड़ी में इतने रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आवाज नीचे। माफ करना। यार, शायद तुम घुमक्कड़ी की जोखिम को समझ नहीं पा रहे हो। हमें जेल हो सकती है, हम कानून तोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ, यही तो मजा है कानून तोड़कर भी पकड़ में ना आना। नहीं, मजा इसमें ये है कि किसी को शक ना हो। वर्ड गेम खेलोगी? वर्ड गेम इस वक्त? यार कुछ तो करेंगे ना। ओके, तुम ही मेरे साथ आने की जिद कर रहे थे। मैं तुम्हारे बिना अकेले ही खुश थी। मुझे पता है, मैं यहाँ आकर खुश हूँ। मैं बस सोच रहा था कि माहौल को थोड़ा सा कम उबाऊ किया जाए। ये पार्क की बेंच और पुल के नीचे सोने से तो अच्छा ही है। हाँ सही है। ओके, मैं सोच रही हूँ, सात अक्षर का शब्द जो बी से शुरू होता है। अक्षर का शब्द बी से शुरू होता है। पूरा हुआ। गंदगी छुपाने के लिए नीचे बहुत सारी जगह है। अगर कभी हमें जल्दी भागना हुआ तो हम वही रास्ता चुनेंगे। इसे देखो, तुमने ऐसे कैसे किया? एक ऐप डाउनलोड किया है, उन्होंने पास ही में अपने वाईफाई का पासवर्ड लिखा हुआ था। तुम पूरे सन की हो। चलो बिना थोड़ा बहुत मजाक करने में क्या बुराई है? कुछ छेड़छाड़ करें वो सोचेंगे कि वो पागल हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सामान छूना बंद करो, ठीक है? Touching stuff, okay? तुम यकीन करोगे इन लोगों के पास कितना पैसा है? और इतने पैसे से ये लोग इतनी घटिया चीजें खरीदते हैं। Bye. पत्नी शायद डॉक्टर है, ये उसके मेल पर था। डॉक्टर स्टेपफोर्ड वाइफ। शिट। हेलो, किसने टूटी खिड़की के बारे में बताया था? बस एक पल रुकना, उसे अंदर आने दो। उसे नहीं पता कि ये घर तुम्हारा नहीं है। हाय, मुझे एक टूटी खिड़की के बारे में फोन आया। हाँ, वो मेरे डैड थे। ओ, ये इस तरफ है।
चलो अभी। मैं खिड़की ठीक करने आया था, डरने की कोई बात नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी पत्नी ने मुझे कॉल की थी, बस मेरा काम हो गया। अब से नीचे जाना बंद। लेवल 59, मरो गधे कहीं के। कुछ तो गड़बड़ है, एक और बच्चा किडनैप हो गया यहाँ इसी शहर में। जस्टिन वीटर, 10 साल का। ओ अच्छा, जस्टिन, तुम उसे जानते हो? ओ नहीं मिंडी, मैं सिर्फ 10 साल का था जब मैंने 10 साल के बच्चों के साथ घूमना बंद कर दिया। ठीक है, हाँ सन की कहीं के। यार ये सच में दुख की बात है, उसे आखिरी बार एक हरे रंग की फुटबॉल जर्सी पहने हुए देखा गया, वो ट्रवाडोर पार्क से लापता है। बेचारा बच्चा। हाँ सही कहा। ये तो तुम्हारी बोतल। ठीक है, थैंक यू। खुद को हाइड्रेट रखो। थैंक यू डैड। ताजा जानकारी के साथ है शेरिल, विल्टर बीते महीने से गायब होने वाला दूसरा लड़का है। वो एक बहुत ही प्यारा बच्चा है। तुम्हारा कमरा है लेकिन वहां नहीं। हे चलो भी, हे आओ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा कॉर्नर। कॉर्नर चलो। ठीक है तुम बहुत खुश हो लेकिन मुझे बाहर जाने दो। कॉर्नर मैं सीरियस हूं, दरवाजा खोलो। कॉर्नर दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, गुस्सा मत दिलाओ। कॉर्नर दरवाजा खोलो। कॉर्नर तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? मैंने आवाज सुनी तो ऊपर आई। कॉर्नर कहाँ है? वो बाहर गया है। क्या?
एलेक, एलेक अभी वापस अंदर जाओ। कहीं तुम्हें किसी ने देख लिया तो? बेड को क्या हुआ? शायद हस्बैंड ने बदल दिया हो या उसे शक हुआ हो। क्या एलेक, चलो भी, तुमने वादा किया था, तुमने कहा था कि तुम शांत रहोगे। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। खेल? कैसा खेल? नहीं नहीं, ये सब सही चलेगा। ठीक है, हम इन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम उन्हें डरा नहीं सकते, हमें साए की तरह रहना होगा। इन सब का क्या मतलब है? अगर हम थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकते तो उनके साथ रहने का मतलब ही क्या? हनी, क्या तुम लास्ट टाइम वाली बातों की वजह से डरी हुई हो? मेरे लिए मतलब है, आ जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ओके, ठीक है। क्या? बहुत दर्द हो रहा है। मुझे देखने दो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ आओ। पागल लड़के, ये क्या किया तुमने? ये बस छोटी सी चोट है। क्या दिक्कत है? मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हें पता है वो पुलिस को फोन करने वाले हैं। नहीं, वैसा नहीं करेंगे। ऐसे निकलना होगा। हाँ, तुम्हें चले जाना चाहिए। क्या क्या हो रहा है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो एलेक? ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ लाई क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था। मुझे पता है और मुझे अफसोस है। लेकिन मुझे मजा आ रहा है। मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस बहुत हुआ, हम अभी जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। शिट, हमारा सामान तहखाने में है। ग्रेट प्लान। हो सकता था, हमें उन्हें घर के बाहर निकालने का एक तरीका ढूंढना होगा या उनका ध्यान भटकाना होगा। उसका फोन गिर गया था। क्या तुमने इसे ऑन किया? नहीं। क्या तुम छत पर थे? क्या नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने कहा था कि तुम मुझे स्कूल ले जाओगी। हाँ, मैं चलूंगी। जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। Thank you.
फाइल घर पर ही थी। बहुत बढ़िया। होली शिफ्ट, सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मैं बस तुमने एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया? क्या तुम मेरी मदद कर सकते? तुमने एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया? जैकी ऊपर था। क्या? वो ऊपर था, वो बहुत बहुत गुस्से में था। गुस्से में उसने किसी की जान ले ली? मैं नहीं जानती, पता नहीं एक्सीडेंट था, ये सब क्या है मैं नहीं जानती। नहीं नहीं, अभी सबका समय नहीं है, मेरी बात सुनो। क्या तुम जानती हो हमारे बेटे का क्या होगा? What will happen to our son? मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। चली जाओ, मुझे इस तरह मत देखो। तुम पागल हो? सहीम, प्लीज। मैं पुलिस बुला रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हें मजाक क्रिया नहीं करने दूंगा। मिंडी, मिंडी, जैके, मैं यहां से निकलते समय तुम्हें कॉल करूंगा। जैकी, मैं उसे ढूंढ लूंगा जिसने कॉर्नर के साथ ऐसा किया, मैं उस कमीने को ढूंढ लूंगा।
जाओ, लग जा, लग जा, लग जा। नोसो गैर, आपकी परेशानी बताइए। हेलो, हाँ, मुझे मदद की जरूरत है। मुझे लगता है मैं किडनैपर के साथ हूँ। मुझे लगता है मैं उन लड़कों के किडनैपर के साथ हूँ। मुझे अभी होश आया। मैम, अपना पता बताइए। मुझे नहीं पता। हेलो हेलो, हम कहीं जंगल में हैं। इंतजार करें, हम आपका जीपीएस ट्रैक कर रहे हैं। नहीं नहीं, हेलो हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेलो हेलो, ओह नो शिट, प्लीज फोन मत रखना। हमारी मदद करो प्लीज, हमारी मदद करो। उन्होंने कहा वो हमें मारने वाले हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, वो एक गड्ढा खोद रहे हैं। हाँ प्लीज, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। जल्दी करो, वो बाहर है। प्लीज जल्दी हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद करो। ना ना, सब ठीक हो जाएगा। वह वापस आ गया है। तुमने ही तो कहा था ना कि हमें दुनिया की नजरों से दूर रहना होगा। हाँ मैंने कहा था, चलो मैं तुम्हें हमारे स्लीपिंग क्वार्टर्स में ले चलूं। और रात को कमीने। स्पेट्स 9/11 में अभी एक डिस्पैच कॉल आया है। उसका कहना है कि उसने हमारे किडनैपर को देखा है। क्या सच में? कहाँ? मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो।
मैं चाहता हूं कि तुम खड़ी हो जाओ, ठीक है? खड़ी हो जाओ, ठीक है? बस खड़ी हो जाओ। खड़ी हो जाओ। जरूरत नहीं। जरूरत है।
मैं जानता हूं तुम क्या हो। और तुम क्या हो, कोई सुपर हीरो? मुझे पता है उन लड़कों को तुमने ही किडनैप किया है। नहीं, तुम उन लड़कों को ले गए। तुम और तुम्हारी फ्रेंड ने उन लड़कों का अपहरण कर लिया और फिर तुम इस केस पर काम कर रहे डिटेक्टिव पर हमला करने आए। तुमने उसके बेटे को बांध दिया। तुम उसका अपहरण करना चाहते थे, मैंने तुम्हें समय से पहले ही रोक दिया। तुम मुझे पुलिस वाले को गोली मारोगे और फिर तुम्हारा क्या होगा, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? तुम नहीं समझोगे, जब मैं छोटा लड़का था मैं बिल्कुल बेफिक्र था। डिटेक्टिव स्पिट्स की